अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बीटीसी के ऊपर कि बीटीसी का अगला नया बुल रन कब शुरू होगा और बीटीसी की प्राइस अगर यहाँ से नीचे गिरती है तो ये कितनी नीचे जाएगी। अगर आप मेरी ओपिनियन को माने या मेरी एनालिसिस को देखें आप, तो यहाँ से मुझे बीटीसी दोबारा 26,000 25,000 की रेंज पर जाता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि बीटीसी के लिए अगस्त, सेप्टेम्बर और अक्टूबर, ये 3 मंथ्स मुझे बीटीसी के लिए बारिश लग रहे हैं। क्योंकि देखें, जब यहाँ से बीटीसी ने 25,000 की रेंज से 31,000 तक गया, तो यहाँ पे बहुत से ट्रेडर्स ने कहा था कि भाई कि बीटीसी अब यहाँ से 36,000 तक जाएगा। किसी ने ये तक कह दिया था कि भाई बीटीसी 42,000 तक जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ पे देख लें, आपको मैं यहाँ पे दिखा चलूँ कि मैंने ये एक ट्वीट की थी 23 जून को, और मैंने बकायदा इस ट्वीट में कहा था कि बीटीसी उस टाइम पे कहाँ पे खड़ा था, 31,000 पे खड़ा था इस वक्त बिटकॉइन। तो मैंने यहाँ से कहा था भाई बीटीसी यहाँ से और ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ से इसका दोबारा जो नया लो बनेगा वो बनेगा 23,500 से लेकर 24,000 तक का। तो मैं आज भी अपनी इस बात पे कायम हूँ कि बीटीसी यहाँ से अब एक नया लो बना सकता है। यानी कि जो उसने पिछला लो बनाया था 24,800 का, हो सकता है कि उसको भी ये ब्रेक कर दे। ये मेरी ओपिनियन थी। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक दोबारा ट्वीट किया था 3 अगस्त को शिप के हवाले से। मैंने आप लोगों से कहा था कि समथिंग विल बिग हैपनिंग इन शिप। तब आप देख रहे हैं उसकी प्राइस टेट्रा 82 थी, उसकी प्राइस शिप की, जब मैंने ये ट्वीट किया था। उसके बाद आप देख रहे हैं शिप ने ऑलमोस्ट 38% वहाँ से गेन किया। यानी कि मेरी जो एनालिसिस थी शिप के ऊपर वो बहुत अच्छी गई थी, और बहुत से लोगों ने मेरी इस ट्वीट के ऊपर ट्रेड लगाई थी और अप्रिशिएट किया था मेरी इस ट्वीट को। और ये ट्वीट बकायदा मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर की थी। आपको मैं अपना व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर दे दूंगा, जिसने भी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना हो मुझे पर्सनल मैसेज करे, मैं उसको ऐड कर लूंगा ग्रुप के अंदर। उसके बाद अगर हम बात करते चलें बीटीसी के ऊपर कुछ बिट नोट्स की, तो भाई बिट नोट्स के हवाले से इनशाला वीडियोस बनाऊंगा मैं कि आप कैसे इसका यूज़ कर सकते हैं और ये कैसे आपको मार्केट के अंदर शॉर्ट और लॉन्ग की पोजिशन के बारे में बताएगा। लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता इस काम को आगे लेके चलेंगे, क्योंकि हर चीज़ अगर आपको अभी से मैं समझा दूंगा ना आपको समझने में मज़ा आएगा और ना मुझे समझाने में मज़ा आएगा। तो इंशाल्लाह आहिस्ता 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 आपको मैं अपनी स्ट्रेटजीज, अपना जैसे मैं ट्रेड करता हूँ उस हवाले से आपको मैं इंशाल्लाह सब कुछ बताऊंगा। बिट नोट्स के ऊपर भी आपको पूरी एक डिटेल वीडियो बना कर दूंगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, अभी नहीं। तो बिट नोट्स के हवाले से अगर मैं आपको बताता चलूँ, तो ओवरऑल मार्केट में बिट नोट्स भी यही कह रहे हैं कि बीटीसी इस वक्त अपने बेरिश जोन में खड़ा है। अगर हम लाइव मैप के ऊपर चेक करें बीटीसी को, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी यहाँ पे मुझे ये यही बता रहा है कि भाई बीटीसी के अंदर थोड़ा सा पंप अभी आएगा, लेकिन उसके बाद फिर से बीटीसी ने डंप करना है। क्योंकि आप देख रहे हैं नोट्स बिल्कुल ना होने के बराबर है, बीटीसी के ना होने के बराबर है। ठीक है, बिट नोट्स के ऊपर भी आपको मैं वीडियो बना कर दूंगा। उसके बाद अगर मैं बीटीसी के अगर टेम्पलेट के ऊपर जाता हूँ, ये टेम्पलेट भी मुझे ये इंडिकेट कर रही है कि भाई मार्केट से ये देख लें बिग प्लेयर्स आहिस्ता आहिस्ता आउट हो रहे हैं। यानी कि बीटीसी ने जब 31,000 का हाई लगाया, उसके बाद से लेके अब तक आप देख सकते हैं कि उसके बाद से लेके अब तक जो बिग प्लेयर्स हैं उन्होंने मार्केट से अपना $57 बिलियन निकाल लिया है, और ये जो ग्राफ है गिरता ही जा रहा है। यानी कि मार्केट से जो बिग प्लेयर्स हैं उनका इंटरेस्ट बीटीसी में से ख़त्म हो रहा है, वो नहीं चाहते कि वो बीटीसी को होल्ड करना नहीं चाहते। उसके बाद अगर आप शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स की बात करें, रिटेल ट्रेडर्स जिनको हम कहते हैं, उनका इंटरेस्ट बीटीसी के अंदर बढ़ रहा है। और ये बीटीसी के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि देखिए मार्केट हमेशा रिटेल ट्रेडर्स की अपोजिट मूव करती है। रिटेल ट्रेडर्स का जो सेंटिमेंट है बीटीसी को लेके वो बुलिश हो रहा है, जबकि जो मार्केट के बिग प्लेयर्स बैठे हैं उनका जो सेंटिमेंट है बीटीसी के ऊपर वो बेरिश है। तो मेरी थीसिस ये है बीटीसी के ऊपर कि ये सितंबर अक्टूबर के अंदर 25,000 का एक लो बनाएगा ज़रूर। और ये जो टेम्पलेट है ये भी ये इंडिकेट करेगा कि अभी बीटीसी के अंदर एक डाउन ट्रेंड का मूव लाजमी आएगा, उसके बाद बीटीसी का बुलरन शुरू होगा। और जो बीटीसी का बुलरन शुरू होगा वो मैं देख रहा हूँ कि जनवरी 2024 से बीटीसी का बुलरन शुरू हो जाएगा। क्योंकि देखें जो पास में बीटीसी की हालवी हुई थी, उस हाल में से 4 मंथ्स पहले बीटीसी के अंदर बुलरन शुरू हुआ था, और 2021 तक, नवंबर 2021 तक उसका बुलरन बीटीसी का रहा था
उसके बाद। तो अकॉर्डिंग टू माई थीसिस के BTC के अंदर जब बुलरन शुरू होगा ये 2023 के अंदर शुरू नहीं होगा। अगर अगर थोड़ा टच आ भी जाता है BTC के अंदर, थोड़ा थोड़ा सा वॉल्यूम आ भी जाता है, तो वो नवंबर दिसंबर के अंदर मैं देख रहा हूँ। उसके बाद अगर मैं आपको इसकी BTC के ऊपर आकर मैं ओपन इंटरेस्ट बताता चलूँ, ये आप देख सकते हैं कि जो BTC का वॉल्यूम है, इंशाल्लाह ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम का बहुत गहरा ताल्लुक है। ये अगर आपको समझ आ गया तो समझ लें कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए प्राइस का प्रिडिक्शन करनी आ जाएगी अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट को देखते हुए। अगर आप BTC का वॉल्यूम देखें पिछले 2023 के मार्च से लेके अब तक, मई से लेके अब तक जो BTC का वॉल्यूम है वो उसके ओपन इंटरेस्ट से ज़्यादा होता जा रहा है, और जो ओपन इंटरेस्ट है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। यानी कि जो BTC के कॉन्ट्रैक्ट्स थे, जो लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं BTC के ऊपर लॉन्ग और शॉर्ट्स के, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होते जा रहे हैं, लोगों का इंटरेस्ट खत्म होता जा रहा है BTC के ऊपर, और वॉल्यूम उसका बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। अगर इसको आपको मैं आसान अल्फाज में समझाऊँ तो यहाँ पे एक शॉर्ट अनवाइंडिंग की एक इंडिकेशन दे रहा है हमें ये BTC का ओपन इंटरेस्ट, यानी कि BTC एक एक शॉर्ट टर्म बेरिश होगा, उसके बाद जाके ये लॉन्ग टर्म बुलिश जाएगा। तो यही चीज़ आपको को रिलेट करें, अगर आपको यही सेंटिमेंट बता रही हैं कि भाई BTC को अब यहाँ से नीचे जाना चाहिए, 25,000 तक यहाँ से इसको जाना चाहिए। और अगर आपको मैं इथेरियम के ऊपर एनालिसिस करके देता चलूँ, अगर BTC 25,000 टच करता है तो भाई इथेरियम यहाँ से 2017 1650 तक लाजमी जाता हुआ नजर आएगा आपको इथेरियम यहाँ से। अगर BTC ने यहाँ से 25,000 को टच किया तो उसके बाद आपको शिब का मैंने बता दिया, भाई शिब के अंदर मैंने एनालिसिस की थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरी एनालिसिस बिल्कुल राइट गई है। इसी के साथ अगर आपको मैं वर्ल्ड कॉइन की प्रेडिक्शन करके देता चलूँ तो भाई वर्ल्ड कॉइन यहाँ से मुझे 1.60 सेंट या 66 सेंट 65 सेंट से दोबारा एक रैली पकड़ता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि यहाँ से अगर इसको आप देखें तो 70 सेंट्स के नीचे इसको यहाँ से एक शॉर्ट टर्म रैली पकड़नी चाहिए, 1.90 तक की इसको एक रैली पकड़नी चाहिए। ये आपको या मैंने एक सिग्नल जनरेट किया है, अब देखते हैं कि यहाँ से अगर ये रैली पकड़ता है कि नहीं पकड़ता, लेकिन इसको यहाँ से एक शॉर्ट टर्म रैली पकड़नी चाहिए 1.90 सेंट की। 1.70 सेंट से जब ये नीचे जाए तो आप इसके अंदर थोड़ा थोड़ा DCA करना शुरू कर दें, क्योंकि यहाँ से इसको एक रैली पकड़नी चाहिए 1.90 सेंट की। उसी के साथ अगर आपको मैं एक न्यूज़ देता चलूँ कि बाइनेंस कॉन्टैक्ट, ये 2022 के अंदर इन्होंने बाइनेंस ने बनाया था US के अंदर, जो कि कल 16 अगस्त को ये शट डाउन करने वाली है। US ने इनके खिलाफ शट डाउन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, US गवर्नमेंट ने कहा है भाई आप इसको शट डाउन कर दें। ये जो मार्केट के बिग प्लेयर्स हैं, यानी कि जो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं, उनको ये क्रिप्टो के अंदर मास्टर कार्ड और वीज़ा के ज़रिए इन्वेस्टमेंट की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती थी, लेकिन अब इसको शट डाउन किया जा रहा है, और ये मार्केट के लिए बहुत ही बेरिश न्यूज़ है। यानी कि अमेरिका का SEC ये अपना जो बाइनेंस के ऊपर जो पंजा रखा हुआ है उसको आहिस्ता आहिस्ता मजबूत करता जा रहा है। यानी कि अगर खुदा ना खास्ता बाइनेंस US को भी अगर ये लोग बंद कर देते हैं, ये बहुत ही बेरिश न्यूज़ होगी क्रिप्टो मार्केट के लिए और क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के लिए जिनका मार्केट में पैसा डाला हुआ है। तो वही देखें, अगर आप इन सब चीज़ों को कोरिलेट करें तो ये चीज़ें आपको BTC के बैरिश होने का सिग्नल दे रही हैं। यानी कि BTC को अब यहाँ से नीचे जाना चाहिए, और मार्केट के अंदर इस वक्त बहुत ही ज़्यादा फंड फैला हुआ है कि भाई BTC यहाँ से 20,000 तक लाजमी जाएगा, लेकिन यहाँ तक मुझे ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा। मैं इतना आपको कह सकता हूँ कि 25,000 तक लाजमी जाएगा। बाकी ये मैंने आर्टिकल पढ़ लिया है, इसके अंदर कोई ऐसी खास बात नहीं लिखी इन्होंने, बस यही लिखा है कि भाई हमने उनसे ईमेल के जरिए कॉन्टैक्ट किया था तो हमें पता चला कि कल ये बाइनेंस कॉन्टैक्ट क्लोज हो रही है। उसके बाद अगर आपके सामने एक बुलिश न्यूज़ है, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है BTC के ऊपर इसलिए नज़र नहीं आ रहा क्योंकि बाइनेंस US के ऊपर अमेरिका की जो SEC है वो अपना पंजा दबोच के रखा उन्होंने। तो आपको ये न्यूज़ देता चलूँ कि भाई एम्स्टरडेम के अंदर जो एम्स्टरडेम की स्टॉक एक्सचेंज है उसके अंदर BTC का ETF अप्रूव हो गया है, और आज उसकी ETF की ये देख लें आप, जैकोबी इन्वेस्टमेंट ने BTC का ETF फाइल किया था जो कि अप्रूव हो गया, और आज इसकी लिस्टिंग हुई है।
और इसके ऊपर $20 की फर्स्ट ट्रेड हो गई है। आप ये देख सकते हैं, आपको ये साफ उन्होंने दिखा रहा है। उसके बाद ये एक बुलिश न्यूज़ थी, लेकिन इसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर इसलिए नज़र नहीं आ रहा क्योंकि भाई मार्केट इस वक्त ओवरऑल बेरिश जोन में है और इस वक्त मार्केट के अंदर फट ही फट है। कोई भी अगर इस वक्त बुलिश न्यूज़ आ जाती है तो मार्केट के ऊपर वो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं कर सकती। उसके बाद अगर आपको मैं बताता चलूँ, ये एक थीसिस दिया है जैसी मियर्स ने, जो कि एक इन्वेस्टमेंट फर्म के को फाउंडर रह चुके हैं। उन्होंने भाई कहा है कि भाई BTC जो है 2024 की हालविंग में $1 लाख की प्राइस को टच नहीं करेगा। 2024 की हालविंग जो होगी उससे पहले $1 लाख को टच नहीं करेगा। और मैं उनकी इस बात से इतफाक रखता हूँ कि वाकई में BTC हालविंग से पहले $1 लाख को टच नहीं करेगा। यानी कि BTC ने अगर ऊपर जाना है ना 2023 के अंदर, तो 34,000, 35,000, 36,000 इस रेंज के अंदर ही रहेगा 2023 के अंदर। और 24 के स्टार्टिंग, जनवरी के स्टार्टिंग से BTC अपना बुल रन शुरू कर सकता है, अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन। देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि देखें हम यहाँ पे थीसिस दे सकते हैं, बाकी मार्केट ना मेरे फादर की है ना आपके फादर की है, ये मार्केट अपनी मर्जी करती है। हो सकता है कि मेरा थीसिस रॉन्ग हो जाए और मार्केट यहाँ से एक बुल रैली पकड़ सकती है, लेकिन हालात इसके बहुत कमज़ोर है मार्केट के, क्योंकि मार्केट BTC की मार्केट ने पहली दफ़ा रिसेशन को फेस किया है और रिसेशन को फेस करने के साथ साथ BTC की हालविंग ही रिसेशन के अंदर आ रही है। तो हो सकता है कि मार्केट के अंदर शॉर्ट टर्म के लिए अभी आपको और रेड कलर नज़र आए। उसके बाद आपको एक और न्यूज़ देता चलूँ कि भाई SEC ने जो डेडलाइन दी थी BTC की ETF के लिए, वो 2024 तक उन्होंने डिले कर दी है। यानी कि वो 2023 के अंदर कोई भी ETF अप्रूव करने के मूड में नहीं लग रहे, यानी कि वो ऐसे ही डिले करते जाएंगे। और इसका जो ETF का जो डिसीजन है 2024 के अंदर सुनाएंगे। और मुझे भी यही लगता है कि भाई जून 2024 के अंदर जो इलेक्शन होने हैं अमेरिका के अंदर, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, उसके बाद जाके कहीं BTC के ETF अप्रूव होंगे और BTC को एक मजबूत यानी कि फुल बुल रैली देखने को मिलेगी। लेकिन 2023 के अंदर BTC मुझे भाई ऊपर जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा, मैं आपको ये बार बार कह रहा हूँ। उसके बाद अगर आपको मैं यही भाई यही और टॉपिक बना हुआ है इस वक्त पूरे सोशल मीडिया के अंदर कि भाई यूरोप के अंदर फर्स्ट बिटकॉइन ETF अप्रूव हो गया है, एम्स्टरडैम के स्टॉक एक्सचेंज में वो लिस्ट कर दिया गया है। उसके बाद दूसरी जो मेजर न्यूज़ है वो बाइनेंस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर है कि भाई बाइनेंस कॉन्ट्रैक्ट को शट डाउन कर दिया गया है। ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह अगर आपको ये वीडियो का रिस्पॉन्स मुझे अच्छा मिला तो मैं अपना जो थीसिस है, अपनी जो एजुकेशन है, जो मेरा एक्सपीरियंस है 3-4 ईयर्स का क्रिप्टो मार्केट के अंदर, वो इंशाल्लाह आपके साथ आहिस्ता आहिस्ता शेयर करूंगा। आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, वीडियो को शेयर करना है। भाई देखें जो यूट्यूब का अल्गोरिथम है उसका कॉमर्स के कोई ताल्लुक नहीं, वो देखता है व्यूज़ और लाइक्स। जितने ज़्यादा व्यूज़ होते हैं या जितने ज़्यादा लाइक्स होते हैं, यूट्यूब का जो अल्गोरिथम है उतनी ही ज़्यादा वीडियो को वायरल करता है। तो आपने इस वीडियो में अपना भरपूर प्यार दिखाना है। अगर आप अपना भरपूर प्यार दिखाएंगे तो इंशाल्लाह मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको मैं बिटनोट्स के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर बना के दूंगा। क्योंकि देखें ये बिटनोट्स ये एक दिन का काम नहीं है या एक वीडियो का काम नहीं है, इसके ऊपर आपको एक फुल डिटेल वीडियो चाहिए होगी सीखने के लिए। तो अगर आप इस वीडियो में जो आने वाली जो मेरी वीडियोज हैं उसके ऊपर भरपूर प्यार दिखाएंगे तो भाई मैं आपको बिटनोट्स लाजमी सिखाऊंगा इस चैनल के ऊपर। ये थी आज की वीडियो और कुछ चीज़ें और एनालिसिस था मेरा जो कि आपके साथ शेयर करना लाजमी था। और मेरे आप ट्विटर अकाउंट को लाजमी ज्वाइन करें, ये मेरा ट्विटर अकाउंट है, आप देख लें, इसको आप लाजमी ज्वाइन करें। अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं तो मैं इसके ऊपर अपना थीसिस, अपना जो होता है जो अपना एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर करता रहता हूँ और मार्केट के अंदर स्पोर्ट्स के सिग्नल देता रहता हूँ अपने इस ट्विटर अकाउंट के ऊपर। क्योंकि जो लोग सिर्फ जो स्पोर्ट ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए आसानी होती है मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।